करना बेचते है जी, पीढ़िया दे बचाना आपने बट लेते हैं। डेढ़ घंटे च करना तैयार। Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ये लाल कलर का बटन दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करें। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास शर्मा और मैं आ चुका हूँ यहाँ पे चुन्नी लांडरा पिंड है। ये कुछ भी चुन्नी पिंड है जी, एक चंडीगढ़ रोड जा रही है इतों। और मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने देखा यहाँ पे गुड़ बन रहा है, तो यहाँ पे हैं बाबा जी, तो ये बताएंगे आपको। पहले तो आप बाबा जी अपना नाम बता दो, नाम क्या आपका? नाम? हाँ जी हाँ जी, वजीर सिंह। वजीर सिंह, हाँ जी। आप कहाँ के रहने वाले हो? आप बास्तियां के रहने वाले हैं। ठीक है जी, तो आप कब से ये काम कर रहे हो, मतलब गुड़ ये जैसे बन रहा है तो ये कब से बना रहे हैं आप? 70 साल से करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो आप अब स्टेप बाय स्टेप बता दो कि कैसे बनता है गुड़ ये? एक गुड़ बनता है जी, पहला गन्ना बीजते हैं जी। हाँ जी हाँ जी। पहला खेत को बाते हैं। ठीक है जी, ठीक है। एक गन्ना बीजते हैं जी, आजकल इस मौसम में मार्च का महीना है जी ये। इसका जैसे जैसे सर्दियों में होता है तो सर्दियों में भी होता है ऐसे, जैसे गुड़ बना रहे हो आप अभी? सर्दियां के बीच होता जी, कत्तक में शुरू हुआ, पहले तो आप गन्ना बीज लिया हूं। हाँ जी हाँ जी। फिर अपने तैयार करना गन्ना, पानी लाना, रे पाना उसके बीच। ठीक है, ठीक है है जी। फिर दवाई बूटी पानी, कीड़ी बचाओ, कीड़िया दे बचाना अपने, कीड़े दे। ठीक है जी, ठीक है। फिर साल पीछे दे इसने गन्ने ने बरसात पै जानी है, ये पानी की कोई लोड नहीं पैंदी एडी खास। ये गन्ने ने होना होना तैयार हो जाना, अस्सू दे बाद कत्तक का महीना आ जा। ठीक है जी, ठीक है, ओके। कत्तक में वे गन्ना तैयार हो गया, बड़बड़ा हो गया, डड्डा हो गया। ओके ओके। ये गन्ने आपके लगते कहाँ से, मतलब लेके कहाँ से आते हो अब, जैसे वहाँ पे भी गन्ने हो रखे हैं? ये अखा ये गन्ने को बट लेते हैं, ऐसे बढ़ लेते हैं। नहीं, कहाँ से लेके आते हो? लेके यहाँ से, यहीं से बढ़ते हो? हाँ, इसको बीज देते हैं, ये जम जाती पैदा हो जाती हैं। ठीक है जी, ठीक है। ये गन्ने की गन्ना ही पैदा हो जाता है। तो हर रोज का आप कितना गुड़ तैयार कर लेते हो? दो क्वांटल, ढाई क्वांटल गुड़ का तैयार कर लेते हो। अब थोड़ा दिखा दो मेरे को गुड़ कैसा तैयार करते हैं, मतलब कैसा है गुड़ हो, देखो। हाँ जी हाँ जी, जरूर जी जरूर। ये देखो जी, चक का देखो जी, ऐसे होता है। बहुत बढ़िया 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 बढ़िया। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। गुड। और ये मशीन यहाँ पे किसके लिए, ये वाली मशीन किसके लिए? गन्ना पीटने के लिए। गन्ने पीटने के लिए गन्ना। अच्छा, इधर लगा देते हैं गन्ना। ठीक है जी, ठीक है। ये मशीन है यहाँ पे और ये इन्होंने गन्ने निकाल रखे हैं, ऐसे गन्ने लगाते हैं। हाँ जी हाँ जी, ऐसे लगाते हैं, ऐसे मुँह है ये इसको। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आओ, ये मुँह है, इसमें गन्ने लाते हैं ऐसे। ठीक है जी, ठीक है। और फिर ये कब तक बन जाता है, मतलब आपने जैसे निकाल दिया है, अब ये बन चुका है जी, मतलब जैसे आपने अभी मेरे को दिखाया, ये गुड़ बन गया है, ये गुड़ बन चुका है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो कितने लोग ले जाते हैं यहाँ से तो बथेरे गड्डी वाले ले जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मतलब आपका गुड़ ये मतलब मंडियों में भी बिकता है कि आप यहीं पे, मतलब जी शहरी बंदे खाते भी हैं, पंजाबी भी खाते हैं, जेड़े आम रहने वाले। हाँ जी हाँ जी, वो तो है, वो भी खाते हैं। ठीक है, और तेरे मेरे वर्ग के भी खाते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो? हाँ जी, मैं भी खाता हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है जी, पहले मतलब गन्ने को आप इसमें से निकालते हो? हाँ जी हाँ जी। और फिर क्या करते हो फिर आप?
गन्ने का जूस आ जाता है ना जी। अच्छा यहाँ से इसका जूस, इसमें जूस आ जाता है यहाँ पे, उसके बाद क्या करते हैं? ये इसमें क्या क्या है? इसमें भी गन्ने का जूस है जी। ठीक है ठीक है। फिर ये आधा घंटा ही उबलता रहता है, ये गन्ने का जूस उबलता रहता है ना जी। उसके बाद फिर इसमें डाल देते हैं, इसमें ऐसे मैल भी लगाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा मैल उतार लेते हैं आप यहां से, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे पा देते हैं जी। इधर भी पिंडियां का पानी है, इधर विच ये मैल उतार देता है। शक्कर भी बना सकते, गुड़ भी बना सकते हैं, दोनों चीजें बना सकते हैं। शक्कर में थोड़ा जिहा वध टाइम सेक लाउणा पैंदा। ठीक है जी ठीक है। ओके ओके। और आपके साथ कितने लोग और काम करते हैं इसमें? मतलब चार पांच बंदे हैं जी, पांच बंदे का काम है, पांच बंदे का बगैर तो चलता ही नहीं है ये। ठीक है जी। पांच बंदे तो हर वक्त इसमें घरे में चले गए। तो आप अभी कहां रहते हैं? आप अभी लोकल रहते हैं आप? हां साडा नेड़े पिंड है, अपने घरे चले जाते हैं रात में, चले जाते हैं। ठीक है जी ठीक है। तो अगर यहां पे किसी ने आना हो तो ये प्रॉपर एग्जैक्ट लोकेशन, कोई नियर बाय कोई टेंपल हो, कोई ढाबा हो? और पाजी की तरफ से मेरे को मिला है गिफ्ट गुड़, तो अभी मैं घर पे जाके खाऊंगा इसको। खत्म। तो यहाँ से आगे आप गुड़ परचेज कर सकते हैं। तो ये कैसे देते हो आप, क्या प्राइस क्या है इस गुड़ का? 70 रुपए किलो। ठीक है जी ठीक है। तो अगर आपको प्योर गुड़ चाहिए तो यहाँ पे आके आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको फुल प्रोसेस देखना है तो मैं यहाँ पे कल आऊँगा एक बार और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसे सब कुछ तैयार होता है। तो और बाबा जी ने बता ही दिया सब कुछ ऐसे मोटा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो मुझे पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।